Hello dear students, welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. As you all know, we are discussing this video series for class 10th students. So nowadays, I am focusing on photosynthesis. आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में, और आज मैं बताने वाली हूँ इस लेक्चर में आपको कि प्लांट क्या क्या अपने आप में अडेप्टेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने के लिए. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होती है. अगर स्टूडेंट्स आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप मेरे उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को जरूर वॉच करें, तभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे कैसे ये सिस्टम सिंथेसिस प्लांट्स में होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं, सब कुछ आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस के उस पे मिल जाएगा. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. सो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज के इस डिस्कशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और मुझे ये बताना होगा कि प्लांट्स अपने आप में क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए. तो हमारा फर्स्ट जो एडाप्टेशन है स्टूडेंट्स, आप बहुत फोकस करके देखिए, पॉइंट वाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट इन अपर लेयर ऑफ लीफ. जैसा कि आप सबको मैं बता चुकी हूँ, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं, और ये एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मुझे मिलेगा. आप सभी को पता है इट इज अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली. तो जो पहला एडाप्टेशन है प्लांट्स में, वो प्लांट्स क्या होंगे उनका, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लीव्स होगा, यहाँ पे लेयर्स ना लेके हम लोग को लीव्स लिखना चाहिए. तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट इन द अपर सर्फ अपर लेयर ऑफ लीव्स. कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो लीव्स होंगी उनके पास ऐसे सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट कंसंट्रेटेड होगा अपर सरफेस. आप सबको पता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट में, उनके पास जो सेल्स होंगे उनमें सेल ऑर्गेनेल्स होगा क्लोरोप्लास्ट. तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा स्टूडेंट्स, अपर लेयर. कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ किया जाता है, और वो जो सेल्स होते हैं बेसिकली पैलिसेड पैरेन्काइमा वहां पे होते हैं. अपर सर्फेस पे क्लोरोप्लास्ट को क्यों रखा जाता है, आपको स्टूडेंट्स ये भी क्लियर कर दूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप करनी है, इसलिए ये अपर सरफेस पे होगा. दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं लार्ज सरफेस एरिया. जिस लीव का सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी लीव, अगर किसी भी प्लांट की बात करूं, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इट विल एनहांस एब्जॉर्प्शन. और आपको पता है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर, इनहांस का मतलब बढ़ाना, इट विल इनहांस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. जब एब्जॉर्प्शन को हम लोग बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मैक्सिमम लाइट एनर्जी हम लोग सनलाइट से ले सकते हैं. और आपको पता है जितनी लाइट एनर्जी आएगी उतनी ही हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे. आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो बहुत ही आसान स्टेप है. चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ पे लीफ के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो प्लांट में लीव्स होंगी उनका कैसा अरेंजमेंट होगा, वो कैसे प्लेस्ड होंगी. तो जो लीव्स होंगी ना स्टेम और ब्रांचेस में, उनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया लीव जो है वो एक्सपोज रहे सनलाइट को. अगर हम लीव को इस तरीके से लगाएं और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे सनरेज आएंगी, तो आप देख रहे हैं जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, अगर हम परपेंडिकुलर रखें, अगर हम लीफ इस तरीके से रखेंगे तो इसके ये जो रेज आ रही इनके पैरलर हो जाएगी, तो उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. तो आप ये परपेंडिकुलर वाला स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखेंगे, जो लीव्स का अरेंजमेंट है उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो सनलाइट को एक्सपोज रहे. अगले स्टेप पे आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, देयर विल बी नेटवर्क ऑफ वेन्स. आप सबको पता है जो लीफ होती है उसमें जो लीफ का बेस होता है उसको हम लोग लीफ लैमिना बोलते हैं. सपोज दिस इज द लीफ, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे लीफ का, दिस इज लीफ लैमिना, और यहाँ पे वेन्स होती हैं, दिस इज द मिड रिब, आप इसको मिड रिब कहते हैं, और ये सारी इनकी क्या है, वेन्स हैं.
और वेन से भी छोटे छोटे फर्दर नेटवर्क होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स। तो नेटवर्क ऑफ वेन्स की अगर हम लोग बात करें तो लीव्स के पास एक लार्ज इलेबोरेट नेटवर्क होगा वेन्स का। क्यों होगा लार्ज नेटवर्क? हर चीज के लिए स्टूडेंट एक लॉजिक होता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज नेटवर्क चाहिए तो क्यों चाहिए। जब तक किसी भी टॉपिक के लिए आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट होगा तब तक वो टॉपिक पढ़ना बेकार है। तो स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में क्वेश्चंस बिल्डअप पावर बिल्ड करें ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है कि लार्ज नेटवर्क क्यों होंगे। लार्ज नेटवर्क होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का। और जब ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का रैपिड होगा तो जो लीफ फूड बना रही है वो भी रैपिडली होगा। उस तरीके से हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की अगर हम लोग बात करें तो लीव्स का जो स्टोमेटा है वो अपर और लोअर सरफेस दोनों पे होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ स्टोमेटा क्या क्या फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करता है। और CO2 रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं लास्ट 6 पॉइंट होगा कि लीव जो है वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, उनका सरफेस थिन होना चाहिए। जब वो थिन और फ्लैट होंगी तो डिस्टेंस कम होगा सेल्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे भी रैपिड क्या होगा, मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको और स्टूडेंट्स यहाँ पे बताऊंगी इस लेक्चर में कि जो हमारी प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड इसी प्रोसेस से बना पाते हैं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फूड। दूसरा पॉइंट हम सबको पता है कि प्लांट से ही हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है क्योंकि हम लोगों ने प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोला हुआ है, प्रोड्यूसर्स बोला गया है। और आप सबको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर कभी आपने इस तरीके का पिरामिड्स देखे हो, एनर्जी पिरामिड्स, तो आप देखेंगे सबसे बेसिक ट्रॉफिक लेवल में ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी। इसका मतलब ग्रीन प्लांट के ऊपर ही ये पूरी की पूरी फूड चेन डिपेंड होगी। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन भी प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जिसको प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, जिस जो कि लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे लगता है आप लोग अपना रिविजन बहुत अच्छे से प्रॉपर कर रहे होंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड I already told you, your small efforts will lead to big success. So don't be lazy, keep doing hard work. Thank you friends. Bye bye, take care.